लग रहा है तो देखिए आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। ऊपर भगवान नीचे बलवान और जेल में सलमान। जैसा कि आपको पता है जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को हिरण हत्याकांड के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है। तो आइए देखिए हम आम जनता से इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। चलिए मेरे साथ। सर क्या सर सलमान को सजा हो गई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सलमान को सजा हो गई? हाँ 5 साल की सजा हो गई ना उनको। क्या बात है सर? क्या वो संभालिए सर अपने आप। लोगों में कितनी दीवानगी है भाई के प्रति। लोगों ने अपना आपा खो दिया है। तो आइए आगे हम और कुछ महिलाओं की प्रतिक्रिया लेते हैं भाई के बारे में। देखिए क्या हाल बना लिया इन महिलाओं ने अपना। कितना बड़ा सदमा पहुंचा है इनका सलमान भाई का जेल में जाने का। क्या कर वो देखिए चश्मदीद गवाह। तो मैं आपको ले चलता हूँ चश्मदीद गवाह के पास। आइए मेरे साथ। ये उस रात का चश्मदीद गवाह है। सलमान के लोगों ने उसे किस तरह से डराया धमकाया वो अभी तक डरा हुआ सहमा हुआ है। ये उस रात के खौफनाक मंजर को अभी तक नहीं भूल पाया है। तो चलिए हम कुछ और लोगों से मिलते हैं। तो आइए हम कुछ और लोगों की राय लेते हैं इस बारे में। चलिए हमारे साथ। सर ये सलमान भाई को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? पहले आप पेंट पकड़िए फिर बताता हूँ। ये शाहरुख और विवेक दूध फटी के पिंकुड़ है कुत्ते के बच्चे हम सबको मिलके पागल बना रहे और सलमान भाई को फंसा रहे जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जनता में आक्रोश है और सलमान भाई के प्रति प्यार है। तो आइए हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं। आइए यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं चलो देखते हैं। सर आगे में किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? सलमान भाई को जेल में डाला यहाँ भारतीय लोग चोट है। भाई को छुड़ाने के लिए पटरे उखाड़ देंगे गाड़ियां चला देंगे सारा देश बंद करवा देंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तकदीर और तलवार से गोलियों की धार से हमला से बिछा देंगे पत्थरों की बोझा से आक्रमण। आइए आइए हमारे साथ आइए। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे सर आक्रमण। सर सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? सलमान खान एक मिनट सर कैमरे में देख के बोलिए। सलमान खान जैसे लोग इस देश की आवाम युवा पीढ़ी के लिए खतरा है। लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं उन्हें देवता मानते हैं उनके पीछे पागल है। पर ये लोग जो है नहीं जानते कि ये किस तरह का आदमी है। ये बेजुबान जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है उन्हें खाना पसंद करता है उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। पर ये बिल्कुल भी चीज सही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। एक मिनट रुकना। हेलो हाँ एक प्लेट चिकन टंगड़ी कबाब एक प्लेट चिकन कोरमा और एक काम कर बिरयानी भेज दे। हाँ नॉनवेज वाली। हाँ मैं लेग पीस उसमें 4 लूँगा। ओके आप कुछ लोगे? कुछ भी चलेगा आपने तो सब चलता है। एक प्लेट एक्स्ट्रा लेके आना ठीक है। हाँ कहाँ था मैं? ओ बेजुबान। हाँ तो ये ऐसे लोग जो है बेजुबान जानवर के लिए खतरा है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इनको। ठीक है सर। ओके सर धन्यवाद। आम लोगों की राय जानने के बाद अब हम चलते हैं देश की जानी मानी पार्टी पोछा पार्टी के बड़बोले नेता खुजलीवाल जी के पास। तो आइए चलते हैं। तो खुजलीवाल जी सलमान को जो 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का आदेश में मेरे पास सबूत है। ये देखो मेरे पास सबूत है। ये फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो गोली हिरण को लगी है उस गोली का जो बिल है मोदी जी के नाम का। ये देखिए सबूत। तो देखा आपने खुजलीवाल जी को लगता है कि ये जो सारा काम किया है वो मोदी जी ने करवाया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें बताइए। तो खेमाराम जी हाँ हुकुम। हमने सुना आपने उस रात हिरण को मरते हुए देखा था। हाँ बाबूजी मंडन देखे हो। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए उस रात क्या हुआ था। बड़ी रात है हिरण सलमान भाई को बंदूक लेने न खुद ने इस गोली मारना की मरी गया। क्या बात करो यानी हिरण ने सुसाइड किया था। हाँ बाबू अंग्रेजी में हाँ सुसाइड
तो दर्शकों आपने देखा खेमाराम जी के अनुसार हिरण ने सुसाइड किया था, सलमान खान पूरी तरह से निर्दोष है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर लिख के भेज दीजिए। आप सब्सक्राइब भाई को बेल मिलने की खुशी में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। यहाँ पे पूछूंगा क्या हो तो भाग जाइए, और भाग रहे हो तो अपनी कैलोरी कहीं थो। अपने सलमान खान को जेल की सजा सुनाइए तो बलवान और मुंबई में सलमान भाइयों तो देखिए आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। जैसा कि आपको पता है ऊपर भगवान जैसा कि नहीं बोल रहा बोला जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी दीवानगी है। तो आइए हम कुछ महिलाओं से प्रतिक्रिया जानते हैं दीवानगी है भाई के प्रति। तो आइए भाई है यार हाँ तो मैं यू के अरे हाँ बोलिए। ये शाहरुख और विवेक जैसे लोग दूध फटी के पिंकुड़े कुत्ते के बच्चे जो आप सबको मिलके फंसा रहे और ऐसी की तैसी। बोलिए ये शाहरुख और विवेक जैसे लोग दूध फटी के पकोड़े ये शाहरुख और विवेक दूध फटी के पिंकुड़े भाई पिंकुड़े 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 गवाह था। ये उस रात का चश्मदीद गवाह है जो कितना डरा हुआ सहमा हुआ है सलमान के लोगों ने घास क्यों रहा है। तो खेमाराम जी हाँ बाबू जी को बताइए उस रात क्या हुआ था। बाबू जी उस रात को बड़ी रात उस रात सलमान को बंदूक ली थी ना सलमान भाई ने स्वागत नहीं करोगे हमारा। मैं आया हूँ द नॉनसेंसर के सेट पे। आप इनका वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने ये नहीं किया तो ऐसा है मैं उन लोगों में इतना छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लो पाते कहाँ से। तालेब, 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 तालेब।